दूसरा ऑटो पीछे आ रहा है और हम जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं हम जा रहे हैं गंगा घाट अपने पाप धोने। जी हाँ, 30 रुपए पर सवारी। कोई बोलेगा कुछ? जी नहीं, जी नहीं। मैं कैसे लग रही हूँ गाइस? बढ़िया मौसम हुआ है, बारिश लग चुकी है। क्या बोले कि गाइस बहुत बुरी हालत है, बहुत बुरी, खत्म होने वाले इतने ऑटो चेंज करे। देखो अगर हालत देखो और देख सकते हैं आप, ये देखिए हमारे सर, मतलब बहुत ही ज्यादा मेहनत। हम यहाँ पर अब काल भैरव जी के मंदिर आए हुए हैं, अभी हम काशी विश्वनाथ भी जाएंगे। जी हाँ, कुछ बोलेंगे? बिल्कुल, बहुत मजा आ रहा है। मजा आ रहा है, हम लोग बहुत देर से भीग रहे हैं। अच्छा, बहुत देर से भीग रहे हैं। देखिए अब हम पहली तरफ हो जाएंगे। हाँ काशी विश्वनाथ जी, हमें इतना नलाया, इतना नलाया काल भैरव जी, काल भैरव। अबे अब हम काशी विश्वनाथ जी के काशी पहले बोलनी नहीं जा रहा। अरे अभी हम, मेरी बात सुनो, काशी विश्वनाथ जी के जाएंगे, हमने काल भैरव जी के माथा टेक लिया, अब हम जाएंगे काशी विश्वनाथ जी के मंदिर। मेरा चैनल, मेरा चैनल, जो मर्जी बोलो, बकवास ब्लॉगर है मेरा चैनल, सस्ते मीशो के बुलाया ब्लॉगर, मीशो मीशो से पहले का है, बुलाया शुरू हो जाएगी गंगा, मीशो से पहले का चैनल मेरा। क्या अंदर की ओर देखिए, ये देखिए काशी विश्वनाथ के अंदर की गलियां आप देख सकते हैं। ओहो हो, काशी विश्वनाथ चुके हैं। कुछ बोलेंगे मैम आप? कुछ तो बोलो। कुछ भी नहीं, मोई मोई हो रहा है। कुछ कुछ बोलेंगे, कुछ बोलेंगे, कुछ बोलेंगे आप? बिल्कुल, बहुत मजे आ रहे हैं, मजे आ रहे हैं ना। जाम जो कितने के लिए? 150। अच्छा अच्छा, लेनी पड़ी, चोरी होगी थी ना अंदर, मोबाइल अलाउ नहीं है तो नहीं जा सकता है, मोबाइल हम यहीं रखते हैं। ऐसा कुछ यहाँ तो सामान लेने के बहुत पैसे ले रहे थे, तो हम 3 रुके हैं सामान सब कुछ लिया है, और माथा टेक, जब वो आ जाएंगे हम जाएंगे। हमारे ये लगवाया, देखो कितनी प्यारी है, पैसे लेने को भी मना कर दिया था, फिर हमने कहाँ जा रहे हैं? वह तो हम जा रहे हैं अब गंगा किनारे। देखो एरिया, देखो कितना सुंदर है गाइस, गाइस ये गंगा किनारा, गंगा किनारा। कुछ बोलेगी? कहाँ है हम अभी? कुछ बोलेंगे? मम्मी मैं गंगा मैया के पास पहुंच गई। मरी थोड़ी अभी। चैन पर विषय ध्यान दीजिएगा, सामान पर अपने बच्चों का हाथ पकड़ लीजिएगा, अपने माँ बाप जिनको भी आप लाए उनका हाथ पकड़ कर रखिएगा, अपना सुरक्षा भी करते रहिएगा। मेरे पाप दो दो बोलो, तुम्हारा भी हो गया, तुम्हारे पाप धोने, मेरे पाप मैंने दोस्तों को सबमिट कर दिए। चलिए क्या बोलेंगे दया के बारे? दया पागल हो चुकी है, ये बीमार होके आएगी। अभी ना कपड़े लाई है, कपड़े लाई है, तुमने लगानी, पाप धो रही है, जितने भी पाप किए इन्होंने कैंपों में, सारे पाप धो।
रही है। हमारे कोई बाप भी नहीं थे इसलिए हमने धोया क्या मोटे बड़ा बस वही नहीं जाएंगे क्योंकि हम कपड़े नहीं लाए, हम कपड़े नहीं लाए और हमें बीमार नहीं होना है। जो भी हिमाचल की टीम ने पाप किए बहुत ज्यादा पाप किए हम लोग। हाँ जी हिमाचल की टीम पाप भूल गए। आपका मन नहीं कर रहा नहाने का? नहीं मैंने कोई पाप नहीं किया इसलिए मैं। अरे ये भी तो है, आपका मन नहीं कर रहा पाप धोने का? मन तो अंदर से गार्डन गार्डन हो चुका है लेकिन कपड़े नहीं है। हालातों को समझ कर हाँ हम बीमार नहीं होना चाहते क्योंकि अभी हमें हमारा स्वास्थ्य थोड़ा हाँ जी भाई ये जब बीमार पड़ जाएगी हमने तो संभाल लिया हमें तो संभाल लिया। हाँ पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। एक दो तीन चार पाँच सब लोग तुरंत खड़े हैं। देखिए गाय चढ़े हुए हैं। सर्वेभ्यो दीर्घेभ्यो नमः सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः ुंडीं दंडपाणी जभैरवा वंदे काशी गुहां गंगाधवाणी मणिकर्णिगणं गुरी देवा सर्वकार्येषु सर्वदा विनायकं गुणार्थसिद्धये सिद्धिबुद्धि सहिताय स्वस्ति श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। तो गाइस देख सकते हो आप इस मुखड़ को, पता नहीं कितना खाता है, मुझे तो समझ नहीं आता लगती कैसी भूख हुई है। बहुत भूख हुआ है और मैं तो सारे आए हुए हैं और देखिए सारे ये भी खाना खा रहे हैं और मैं सारे आ चुके हैं और मैं भी खाना खा रहा हूँ। मैं सारे डिब्बों में जाके खाना खा रहा हूँ और मतलब ना दूसरी टीम वाले भी आ चुके हैं, मतलब हर ट्रेन में अपने ही बंदे हैं सारे अपने ही बंदे हैं। अब हम खाना खाएंगे गाड़ी में कैसा लग रहा है गाइस? बहुत ही अच्छा मजा आ रहा है गाइस, देख सकते हैं हमारे सारे यहाँ बैठे हुए, इनके बिना जी नहीं लग रहा था। हमारे साथ लोग आपस आ चुके हैं गाइस, पंकज में हाय, मतलब ना इनके बिना सुना लग रहा था, सच्ची बोल रहा मजा नहीं आ रहा था। अब जाके ऐसा लग रहा है अब सचिन से पूछ ये आ चुके हैं और ये देखिए सुंदरियां बन चुकी है सारी यहीं। और ये आंटी जी हमारी आंटी जी चली हुई है। आंटी जी अयोध्या में कैसा लग रहा है आपको? आंटी बुरा लग रहा है आंटी को, बहुत गर्मी लग रही है और यहाँ सच्ची में बहुत गर्मी है क्योंकि ना गर्मी है जी तो होगी। तो अभी हम जा रहे हैं हनुमानगढ़ी, फिर हम जाएंगे राम मंदिर और फिर हम आज रात की हमारी ट्रेन है, हम जाएंगे घर जहाँ की हमें बहुत याद आ रही है क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर लिया है हमने अपनी ज़िंदगी में। तो बने रहिए हमारे साथ, आपको पल पल की खबर देते रहेंगे। कैमरामैन पंकज के साथ ऑटो में बैठ चुके हैं ना और ये देखिए गाइस ये हमारी औरतें, हेलो कर दीजिए, कितनी परियां लग रही है खूबसूरत। और आंटी भी बैठी हुई है, आंटी ने घूंघट लिया हुआ है क्योंकि शर्माती है। और बाकी आराम बोलते रहिए, ऐसे ही आराम बोलते रहिए। हमारे ऑटो वाले ड्राइवर बहुत ही एक्सपीरियंस है इन्हें सालों का। चलते हैं हनुमानगढ़ी, धन्यवाद। ये रहा हमारा
हनुमानगढ़ी, और ये पानी पी रही है। ये भी काले हो चुके हैं, बिहार में हम काले हो चुके हैं, हमारा रंग काला हो चुका है गाइस। ये देखो आंटी पानी पी रही है, आंटी से बोल रहा हूं। यहाँ पर हम एंटर हो चुके हैं हनुमानगढ़, और देखिए हमारे सारे साथी लोग आंटी कैसे लग रहा अंदर घुस के? आंटी आई एम नॉट आंटी, आंटी लग रही मेरे को तो। भैया कैसा लग रहा है? कुछ बोलो ना आंटी, तो नहीं बोलते हैं। आ यार गया तू कहाँ? निशुल्क खाना खाने आए थे मंगते यहाँ, और लाइन देके इनकी भी फूफू होगी। तो अब हम खाना कहाँ खाएं? मैंने तो देखिए पूरी और छोले खा लिए, पर मैं और खाऊंगा क्योंकि मेरा पेट कहाँ भरता है। और ये अभी खाना ढूंढ रहे हैं, नींबू पानी भी पिया हम। बस राम मंदिर हमने घूम लिया, वो आज भी आधा बना हुआ है, पूरा नहीं बना हुआ। सूखा यहाँ पर, सूखा पड़ा है, सूखा पड़ चुका है। तभी ये पागल हिमाचल वाले ऐसे इतने तो धूप में खड़ा रहे भाई, आके इनको फर्क ही नहीं पड़ रहा। इतने तो यहाँ के लोग नहीं है जो धूप में खड़े, ऐसे लोग पागल हो चुके हैं हिमाचल के टाइम। देखो कोरियन लस्सी पी रहा है, कोरियन दूध की ना। और ये देखो ये भी पिछले पी ली, और ये पीती नहीं है, और ये पता नहीं इनका भी पता नहीं, मेरे को नहीं पता। हमने पी ली, टेस्ट की कैसी है। मैं पी नहीं, पी ना, रुकना, जल्दी पी। क्या करी जा रही है? इंतजार कर रहे हैं यार, मेरा व्लॉग भर रहा है यार। कितने कितना राम मंदिर दर्शन है ये लिए? कितने का लिया? 50 ₹50 का लिया। और आप मेरे पसीने देख सकते हैं, मुंह से हर जगह से निकल ही रहे हैं, और वो निकलेंगे ऑब्वियसली मुंह से भी। ये देखिए हमारे सारे हिमाचल के इकट्ठे हो चुके हैं, और भी बहुत कुछ है। देखिए बहुत बहुत बढ़िया, अच्छा लगा आपको? अरे सर नमस्कार सर, ठीक हो सर? आप दिल्ली जा रहे हैं यहाँ से? बढ़िया, और मिलेंगे, जरूर मिलेंगे, जनता को पता लगे आप। यार प्लीज यार, आ रही है। हे गाइस, वंडरफुल। यहाँ हम अपनी ट्रेन के लिए रुके हुए हैं, और अब हम जा रहे हैं लखनऊ। और ये सब नहीं, मेरा फोन 600 हो गई है। ये हमारी जनरल की टिकटें, और ये एसी वाली का सफर वो कर रही है। देखिए औरत बास के मारे बेहोश हो चुकी है, इन्हें तो आदत है उड़ीसा कैंप की, वो औरत बेहोश हो चुकी है। ऐसी ऐसी बास निकल रही है, क्या बताएं आपको, पर हमें तो अच्छी लगती है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। आप कुछ कहना चाहेंगे इस बास के टिपने के बारे में? हम भी इस बास से ज्यादा तो बास लीला तू है, भीख मांग मांग के हम सीट में बैठे हैं। कैसा लग रहा है आपको? कहाँ गई आपकी ईगो, कहाँ गया आपका एटीट्यूड? ईगो है, एटीट्यूड भी है। तो भीख मांग के सीट में बैठे हो, खाएंगे ना टाइम आने पे। ऐसे अभी टाइम नहीं है इनका। क्या कहना चाहेंगे खुशबू जी? कभी खुशी कभी गम, ये तो आपने सुना ही। हाँ, कभी भीख कभी पहलू। हाँ जी हाँ जी, नेहा जी तो मुँह समझ लो, नेहा जी तो मुँह दिखाने लायक नहीं रही है, देख सकते हैं दिखाई नहीं रही है। और बाकी पता नहीं कहाँ से। गाइस खाना खाने बैठे हुए, अभी आएगा हमारा। हमने सब्जी और रोटी ऑर्डर किया है, बहुत दिनों बाद हम कुछ अच्छा खाएंगे। कुछ कहेंगे मैम आप? बोलो कुछ। फिलहाल बोलने के लिए कुछ भी नहीं है, हम चाहते हैं फटाफट आप हमारा मुंह बंद कराएं, हमारे मुंह में खाना खिलाए। आंटी कुछ बोलोगी? नहीं मैं कुछ। अंकल बंटी जा रहा है, स्लो है क्या? सच्ची बहुत टेस्टी है यार, इतना टेस्टी है ना सच्ची। खाना 90-90 रुपए आए सबको, पर इतना टेस्टी पेट भर भर के खाया, क्या बताओ। ये देखो 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 हालत देखो, एक दाना भी नहीं छोड़ा, बहुत ही बढ़िया ढाबा था।
लखनऊ में हम सब चीजों के साथ कॉम्प्रोमाइज करने के बाद आज फाइनली हम गाइस हम घर जा रहे हैं। देख रहे हैं चेहरे को, सबके चेहरे पे देखो, मम्मी पापा जा रहे हैं, वो देखो मासूम चेहरे, मम्मी का खाना मिलेगा, मम्मी पापा बस जा रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। कैसी बन चुकी है भैया जैसी। और ये देखिए भाई, ये भी है इधर ऊपर भी नहीं आया, और मैं भी हूँ, और कौन है ये देखो, ये देखिए शक्लें देखिए, ये देखिए शक्लें देखिए, शक्लें देखिए, शक्लें देखिए, शक्लें ये देखिए, शक्लें देखिए, ये देखिए, और ये देखिए, और ये देखिए पंकज जी आपकी पैंट गीली किसने की है? देखिए मैंने की है, पर मेरे अंदर मेरे अंदर ही है एक ऐसा इंसान जो निकाल देता है कभी कभी, तो गीली हो गई, अब नहीं हुआ कंट्रोल। ऐसी क्या वजह थी उस इंसान को उल्टी आई? वो ठंडी लग गई थी उस इंसान को। इधर रुक, इंसान नहीं है वैसे, वो एलियन जैसा है, इंसान नहीं बोल सकते, उसे ठंडी लग गया था। अच्छा, उसे ठंडी क्यों लगी? ठंडी सुकुड़ गया, सुकुड़ गया, सुकुड़ गया, सुकुड़ गया। पानी वगैरह नहीं पिलाया था उसको आपने? नहीं, ब्रोस था पड़ा हुआ बेचारा। अच्छा अच्छा, खाना वगैरह खिलाया था? खाना भी थोड़ा खाया था, पहुंचा होगा नहीं पहुंचा होगा। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो ध्यान रखिए वरना आपकी चटिया गीली हो जाती है। आप गए हैं गुरुद्वारे में चंडीगढ़ में, क्योंकि चंडीगढ़ में सुबह मतलब रात को नहीं ट्रैवल कर सकते, तो सब रुक चुके हैं यहाँ चंडीगढ़ में, और बाकी दो जनियों ने रूम लिया है, एक जना चला गया है, बाकी सारे अभी गर्ल्स आ रही है, वो हॉल में रुकी है, हम भी हॉल में रुके हैं, तो बस हम सुबह निकलेंगे अब अपने अपने घर को, वो मंडी को, मैं सुबह निकल। तो आज बहुत ही अच्छा गुरुद्वारा है, रूम आप हॉल आपको बाद में दिखा देंगे। जाने का नहीं, पीछे देखो पीछे, जाने का नहीं, जाने का नहीं। बेबी तुम्हारी बेबी आई है, बेबी बेबी। आज हमारा शायद आखिरी दिन है सबका ही, और यहाँ हम रुके थे, और सारे शायद अलग अलग हो जाएंगे, अपने अपने घर चले जाएंगे, मंडी वाले मंडी, और मैं सोलन वाला सोलन, और बाकी तो कांगड़ा वाले चले गए रात को ही, धर्मशाला वाले भी चले गए, तो यहाँ रुके थे, अभी गुरुद्वारा है, रात को लंगर खाया बहुत ही अच्छा, और एक उड़ता आज आखिरी दिन, देखते हैं अभी सीधे बस में जाएंगे अपने अपने घर, या थोड़ा सा घूमेंगे चंडीगढ़, देखते हैं क्या होता है। और वो आगे एक और हमारा ऑटो जा रहा है गाइस, ये देखिए क्या बोल रहे, कुछ बोलना चाहेंगे सारा? रोना आ रहा, आप कुछ बोलेंगे? कुछ बोलेंगे सर, हम अपनी टीम से अलग हो रहे हैं, मासी तो वहीं थी। ये देखिए हमारे, कुछ बोलेंगे सर आप? हाँ बोलने चाहिए, आपकी आंखों में आंसू नहीं दिख रहे, तो रोना जरूरी है? रोना, आंसू आ रहे हैं वो देखो। हाँ मैम कुछ बोलेंगे आप, कैसा लगा? बढ़िया लगा है, बढ़िया लगा। हाँ मैम कुछ बोलो। हाँ जी हवा भाई, दोगले लोग, देखिए पंकज जी हमारी दोगली कमेटी, दोगलापन की गाइस, पूरे कहने हमने इतना दोगलापन किया है ना, हम ही वही दोगले आदमी हैं, सच्ची हम ही हैं, कैंबर बात करने वाले। चलो ठीक है यार, रुकी हुई है ऊपर, जैसे हमारा घर है ऊपर, जंगलों को जाएंगे अभी आगे को, फिर ऊपर ही हमारा ही। देखिए मेरा घर, वो सारा मेरा घर है जो आपको दिख रहा है पूरा, मैं जंगल के रास्ते से जाऊंगा अपने घर की तरफ का पूरा। गाइस मतलब बहुत ही अच्छा कैंप था, बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत मुश्किल भी था सच्ची में, खाना, सुबह उठना, मेडिटेशन, चलना, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल कैंप था, मतलब अभी तक की मेरी लाइफ का सबसे डिफ़िकल्ट चीज़ बोल सकते हैं। मुँह में छाले हो चुके थे, खाया कुछ नहीं जा रहा था, अभी पाँव में छाला हो चुका है, तो पर सीखने को बहुत कुछ मिला, करी मेहनत, अभी भी दर्द हो रहा है मुंह पे, पर बहुत सारे नए दोस्त बने, कुछ ज़्यादा ही अच्छे बन गए, क्लोज बन गए, और ठीक है बहुत ही अच्छा कैंप था, आगे भी जाएंगे, पर क्या बताऊँ बस आपको, घर जाने की बहुत बहुत ही मेजे नहीं सबको लगी हुई थी, क्योंकि मेहनत बहुत थी, उसके बाद जब घूमे तो वो बहुत पैदल चले, तीन दिन घूमे, पता नहीं कहाँ कहाँ घूमे, पैदल चले धूप में, इतना मेहनत क्या बताएं आपको, बस अब घर जाने की लगी हुई है, बस जा रहे हैं, सुकून है सच्ची हिमाचल, सुकून मतलब शांति। देखिए मेरी शक्ल क्या बन के गया था,
चाप बन चुकी है, पर वो तो ठीक है, ठीक हो जाएगी दो तीन दिन बाद। मतलब इतनी गर्मी में 40-45 डिग्री सेल्सियस में घूमना फिरना, पर और मेरा घर थोड़ा ही नज़दीक हो, देखिए बस तरस रहे थे अपने घर जाने के लिए, इतना कभी नहीं तरसे जितना अब तरस रहे हैं। मेरा इलाका, मेरा गांव, अरे मेरे घर। तो गए हुए हैं, ये अकेला ही बचा हुआ है, इसका इंटरव्यू लेते हैं। देखो खुशी देख सकते हैं आप मेरे आने की, ओहो खुशी देख सकते हैं। बोलो कैसा लगा आपको मेरे बिना? ओ यार तू आगे सुकर हो गया, नहीं बोर हो गया था। अरे यार वहाँ पागल, मतलब हाँ बहुत खतरनाक कैंप था। मतलब आपसे ब्लॉग की एंडिंग करेंगे। बाकी बच्चे कहाँ हैं? सोलन गए हुए हैं। बाल तुम लेते? बाकी बच्चे सोलन गए हुए हैं गाइस, बस अभी मिलेंगे वो भी खुश होंगे। कब आएंगे वो? कब आएंगे? कहाँ आएंगे? थोड़ी देर में आज ही आ जाएंगे। मतलब आज ही गैंग धमाल होगा, मतलब बहुत ज़्यादा धमाल होगा। मतलब हमारी गैंग थोड़ी छूट गई थी। तो हमारा पंकज भाई घर का खाना इतना मिस करा था, जो कि अब कड़छी से खा रहा है। हमारा पंकज भाई देखो कड़छी से खा रहा है ये खाना। आ गया वापस, अच्छा लग रहा? याद आ रही थी मेरी? कितनी याद आ रही है? कितनी याद आ रही थी? 100 रुपये। चल ठीक है, आ गया ना। मैं ये बच्चा और कौन सा बच्चा? ये बच्चा मेरे आने की खुशी में। आपको मेरी याद नहीं आई? आ रही है। आई थी? कितनी आई थी? और खिलाएंगे। मेरी याद कितनी आई थी? बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा। दिल नहीं लग रहा था? हाँ तुम्हारा क्यों नहीं लग रहा था दिल? पता नहीं पता नहीं। सुना लग रहा था ना? सुना ये तो गाइस तो जा रहा है हमारा गिली गिली शू। चलो गाइस बाय फिर।